से ओझल हो गए। सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हो रहा था और मैं खुली आंखों से सब कुछ एक जिंदा लाश की तरह देख रही थी। एक तूफान की तरह वो आया, उसने मेरी खुशियों के साथ मेरे वंश के दीपक को भी बुझा दिया और तब भी मैं चुपचाप बस देखती रही। हाँ, बस देखती ही रही। मैं तब भी कुछ नहीं कर पाई, मैं तब भी बेबस थी। क्या एक लड़की होना गुनाह है? उसने जो मेरे साथ किया वो ठीक था, पर अब क्या मेरी बेटी को भी यही सब भुगतना होगा? मेरे पति को वंश का दीपक चाहिए, एक लड़का चाहिए, पर बेटी भी तो उस दीपक की बाती होती है। हम उन्हें क्यों नहीं वो दर्जा दे सकते? क्यों, आखिर क्यों? शायद अब जो मेरी आने वाली संतान है उसे भी ये सब भुगतना होगा। इससे अच्छा है मैं खुद को और इसे दोनों को खत्म कर देती हूँ। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना। रुको, ये क्या कर रही हो तुम? तुम कमजोर नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं वीरता हूं, वीरता का कोई स्वरूप नहीं होता। शक्तिशाली व्यक्ति वीर हो यह जरूरी नहीं। अगर एक निर्बल व्यक्ति किसी की सहायता करे तो वो असल वीर है, जो समाज के मिथ्या रिवाजों को तोड़कर अपनी पहचान बनाए वो वीर है, अपने देश के लिए जान न्योछावर करे वो वीर है। वीरता का अनेक स्वरूप है। चलो मैं तुम्हें इनसे रूबरू करवाता हूं। चलो, चलिए ले चलते हैं हम आपको महाभारत के द्वार। यदा यदा हि धर्मस्य प्रणाम स्वीकार कीजिए। बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? पुत्र, कल स्वयं देवराज इंद्र ब्राह्मण की वेश में तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगेंगे। वो तुम उन्हें मत देना, मेरी इतनी इच्छा है। ये कैसे संभव है सूर्यदेव? उस समय तो कोई अगर मुझसे मेरे प्राण भी मांग ले तो मैं उन्हें दे दूंगा। मेरी प्रतिज्ञा मेरे जीवन से कई बढ़कर है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा सूर्यदेव। जैसे तुम्हारी इच्छा, कल्याण हो। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर, आदेश दीजिए, क्या याचना है आपकी? देखो बालक, मैं अन्य ब्राह्मणों की तरह तुमसे धन धान्य मांगने नहीं आया हूँ। आप जो भी मांगेंगे मैं उसे देने से पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, तो मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। पर ये तो मेरे शरीर के ही अंग है मुनिवर, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दूसरे शस्त्र प्रदान कर सकता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल ही चाहिए। मैंने तो सुना था तुम बड़े दानवीर हो, तो क्या आज ये दानवीर कर एक ब्राह्मण को खाली हाथ भेजेगा? बिल्कुल नहीं, जिसने जो भी मांगा है उसे वो मिला है, चाहे वो फिर एक ब्राह्मण हो या स्वयं देवराज इंद्र। क्षमा करिए
लगेगा सूर्यदेव, मैं मेरे वचन से बंधा हूँ। ये तो सिर्फ कवच और कुंडल है, मेरी असल ढाल तो आपका आशीर्वाद है। मुझे क्षमा करिएगा सूर्यदेव, मुझे क्षमा करिए। मेरी कवच और कुंडल कुंडल, ये थी गाथा काली कर्म की। फिर आया दौर मुगलों और मावलों, ये वो दौर था। मां साहेब प्रणाम, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? क्या बात है मां साहब, ऐसी क्या बात है जो आपको इतना विचलित कर रही है? बताइए मां साहब, बताइए। शिवा, ये सामने जो किला दिख रहा है, ये कोंडाना किला है। एक जमाने में ये हमारा हुआ करता था, लेकिन आज इस किले पर इस हरे झंडे को देखकर मेरा खून खौल उठता है। हमारी जागीर उन मुगलों की गुलाम कैसे हो सकती है? ये हमारी मातृभूमि है, इसकी प्रतिष्ठा हमारा अभिमान है। बस इसी बात से मेरे हृदय में माँ साहेब, बस इतनी सी बात। क्या आपको आपके शिवा पर भरोसा नहीं? क्या शिवा अपनी माँ साहेब के लिए इतना नहीं कर सकता? आप बस आदेश दीजिए, कल ही उस कोंडाना किले पर आक्रमण कर उसे आपके चरणों में अर्पित कर देंगे। शिवा, मैं जानती थी कि तुम अपनी माँ साहेब और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हो, यशस्वी हो। आज्ञा दीजिए माँ साहेब, हमें उस और प्रस्थान करें। क्षमा करिए तुम्हारा, और आप क्यों जा रहे हैं? क्या चींटी को मसलने के लिए एक हाथी की आवश्यकता है? वो तो सिंह की धार से ही घबरा जाती है। तात्पर्य ये था कि आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, आप बस आज्ञा कीजिए, आपका ये तानाजी अकेला ही उस किले पर विजय हासिल करेगा। वह संध्या समाप्ति तक हमारा ध्वज उस किले पर लहराएगा, ये तानाजी का वचन है। तानाजी, हम आपके वीरता से काफी प्रसन्न हुए, लेकिन आज आपका यहाँ अचानक आना कैसे संभव हुआ? महाराज, मैं आपको और माँ साहेब को मेरे बेटे की शादी का निमंत्रण देने आया था। वाह, क्या बात है तानाजी, यह खबर सुन के तो हमें बड़ी खुशी हुई। तानाजी, ऐसे शुभ अवसर पर आपका ऐसे युद्ध पे जाना उचित नहीं। माँ साहेब क्षमा करिएगा, मैं आपकी आज्ञा नहीं स्वीकार कर सकता। मुझे अपने परिवार से बढ़कर यह मातृभूमि प्यारी है और मैं इसका ऋणी हूँ। अपने मातृभूमि के लिए तो मेरा रक्त का कण कण न्योछावर है। पहले शादी उस कोंडाना किले की, फिर मेरे बेटे की। आप क्या कीजिए महाराज, हर हर महादेव। ये थी गाथा शूरवीर तानाजी की। अब उस दौर में चलते हैं जहां पर हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। ये क्रांतिकारियों का दौर था। आओ, नमस्ते आजाद भैया, इससे मिलिए, ये है भगत सिंह। तो तुम आए हो पंजाब से? जी, आजादी की जंग में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। ये दोनों भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। क्या नाम बताया तुमने? जी, वीरभद्र तिवारी भगवान दास। हमारे ही दल में क्यों आना चाहते हैं? हमारे रास्ते तरीके खतरे के हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना खतरों के बातचीत कर आजादी लाना चाहते हैं, उनके साथ क्यों ना हो जाते? बातचीत से तुरंत और पूरी आजादी नहीं मिल सकती,
पूरी आजादी इनकलाब से आएगी और इनकलाब के लिए कुर्बानियों की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है। बंद कोठरियों में बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब बर्फ की सीलों पर घंटों नंगे बदन लटाया जाएगा, हफ्तों भूखा रखा जाएगा, शरीर के एक एक हिस्से पर लाखों कोड़े एक साथ बरसाए जाएंगे, तब तुम्हारा सारा जोश काफूर हो जाएगा। मत भूलो, शायद हम में से कोई आजादी का सवेरा देखने के लिए जिंदा ना रहे। हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी जीत हमारी मौत में है। वो मौत गुलामी की जिंदगी से कई गुना ज्यादा अच्छी होगी। आजाद जी, मैं जब छोटा था तब मैंने मेरी माँ से एक सवाल पूछा, हम करोड़ों हिंदुस्तानी इन लाखों अंग्रेजों को क्यों नहीं भगा देते। उस दिन माँ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज मुझे जवाब मिल चुका है। हमारी ताकत बटी हुई है। पंजाबी नौजवान पंजाब में, आप यहाँ बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, सारा मुल्क अलग अलग कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये कोशिशें बिखरी हुई है। अगर हम एक होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो हम अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ सकते हैं। रहा सवाल मेरा, अगर आपको लगता है कि मैं करतार सिंह सिरावा या खुदीराम बोस नहीं बन सकता, अगर आप सोचते हैं कि मेरा जिस्म मेरे इरादों का साथ नहीं देगा, तो मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खाता हूँ। भगत सिंह बा, तुम्हारा जोश देखकर दिल को सुकून मिला। क्रांति की लहर चारों ओर दौड़ने लगी, लेकिन इस बीच शहीद हुए लाला लजपत राय। आजाद जी, ये हमारा देश, हमारी मिट्टी, हमारे घर में घुसकर इतनी मेहनत, ये देखकर खून खौल उठता है मेरा। जी तो कर रहा है कि हर एक अंग्रेज की जान ले लूं। अपने आप को संभालो राजगुरु, जज्बातों को रोकना होगा। बाजुओं में जिंदा दिली जरूर होनी चाहिए, लेकिन साथ में सही सोच लेकर चलेंगे तो और आसानी होगी। ये मिट्टी की लड़ाई है राजगुरु। लाला जी की चिता बुझने से पहले बदला लेना होगा। अब क्रांति की बारी है। खून खौलता है मेरा जब किसी गोरे को देखता हूँ, स्फूर्ति से हाथ कांप उठते हैं जब गोरे की आवाज सुनता हूँ, रोम उठता है मेरा खतरा खतरा जब इनकलाब की आवाज सुनता हूँ। अब चाहे ये मेरी जिंदगी की आखिरी क्रांति क्यों ना हो, कोई परवाह नहीं। मिट्टी के लिए जान चले जाए तो कोई परवाह नहीं, मरने के बाद तो जिंदगी आएगी। लेकिन अब आगे क्या है? जान लेनी, हाँ, जान के लिए जान लेंगे। खून का बदला हमारे क्रांति का खून का बदला लेने के लिए किसी गोरे को मरना होगा। हाँ, गोरे की जान लेंगे। क्या? गोरे की जान? हाँ, गोरे की जान। अब गॉड मरेगा, अल्लाह तआला ने चला लिया, अल्लाह गॉड मरेगा, और वो भी मेरे हाथों से, इस राजगुरु के हाथों से। नहीं राजगुरु, जरा होशियारी से काम करना होगा। स्कॉट के मरने के बाद कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट के सामने जो पेशकश होगी तो भगत सिंह बातों से स्थिति को घुमा सकते हैं। इस काम को भगत सिंह ही अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। अब क्रांति की बात, चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने धोखा दिया। हाँ, उन्हें उन्होंने धोखा दिया और धोखे से उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। आजाद हम तो बेटा है, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमने तुमको चारों ओर से घेर लिया है। नहीं, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। आजाद, सोच लो, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। फायर!
मुझे माफ करना, हाँ मुझे माफ करना। वंदे मातरम। ये थी गाथा क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीरता का कोई स्वरूप नहीं होता, चाहे फिर वो दानवीर कर्ण हो या फिर शूरवीर